स्टोन क्रेशर संचालकों की दबंगई के चलते हैवी ब्लास्टिंग से पूरा गांव दहल रहा है। हैवी ब्लास्टिंग के कारण लोगों के घरों तक बड़े बड़े पत्थर पहुंच रहे हैं। इस मामले पर आला अधिकारियों का कहना है कि कोई भी विशेष प्रकार की क्षति नहीं हुई है। ये मामला सिंगरौली का है, जहां बड़कुड़ गांव में आए दिन स्टोन क्रेशर के द्वारा हैवी ब्लास्टिंग कराई जाती है। आसपास इलाके में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। हैवी ब्लास्टिंग के चलते खपरेल मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, लोगों के घरों में हैवी पत्थर गिर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, आज एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। जिस समय ये ब्लास्टिंग हो रही थी, उसी वक्त दो बच्चे बाहर खेल रहे थे। गनीमत रही कि बच्चों को किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई। ग्रामीणों को बिना सूचित किए हैवी ब्लास्टिंग की जाती है, जिसे लेकर चितरंगी उपखंड अधिकारी से शिकायत की गई है। मामले को संज्ञान में लेते हुए उपखंड अधिकारी द्वारा टीम गठित कर जांच कराई गई। जांच के बारे में बताते हुए कपिल मुनि शुक्ला ने कहा कि सभी तथ्यों की जांच की गई है, साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। वहीं चितरंगी तहसीलदार सुरेश चंद्र परते ने कहा कि जांच के बाद पाया गया है कि रहवासियों को थोड़ी परेशानी हो रही है, बाकी किसी प्रकार की गंभीर क्षति नहीं हुई है। एसडीएम साहब के आदेशानुसार जो बड़कुल में ब्लास्टिंग के दौरान कुछ लोगों को, परिवार के लोगों को, वहाँ बच्चों को चोट के कल की घटना है, उसके संदर्भ में हम लोग हमारे सब इंस्पेक्टर थे, आरआई साहबान थे, कई तीन चार पटवारी थे, इनके साथ वहाँ गए जहाँ से ब्लास्टिंग का काम हुआ था। तो वहाँ मौके पर जाकर के देखे तो पत्थर तो है, तो गिरे तो हैं, मतलब वहाँ से आके, लेकिन बहुत छोटे साइज में भी थे पत्थर और कुछ एक दो बड़े थे। तो उनके मकानों में भी जो सीमेंट शीट उसमें भी कुछ हल्का सा गिरने का है उसमें, और बाकी और कुछ विशेष तो उसमें ज़्यादा ना किसी की ऐसी कोई गंभीर चोट आना तो नहीं मिला। लोगों से हमने वहाँ के बासिंदे जो हैं उनसे पूछताछ की तो बताया गया कि नहीं, मतलब मैंने उनको सूचना टाइम पे नहीं दी गई थी, ऐसा करके उनका कहने का था। तो फिर हमने समक्ष में वो जो अल्पना जो शिवशक्ति स्टोन क्रेशर है उनके कर्मचारियों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि 1 बजे का समय था, उस दौरान उन्होंने सूचना दी थी और 3 बजे वहाँ ब्लास्टिंग हुई है। और कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि वहाँ जो उनके बोर हैं उसमें कुछ क्षति हुई है, तो कुछ मकान होता तो जाके देख के वहाँ उसका उसके आधार पर उसका पंचनामा बनाया गया। कल लगभग दोपहर में एपी परवान खदान स्वीकृत है, तो वहाँ पे ब्लास्टिंग से संबंध में लोगों के स्थानीय व्यक्ति जो आसपास घर बने हुए हैं उनमें कुछ पत्थर पहुँचे हैं, ऐसा उन्होंने शिकायत किया था एसडीएम साहब पास में, जिसके संबंध में जांच है। तो एसडीएम साहब के द्वारा तहसीलदार साहब के मार्गदर्शन में आरआई पटवारी विभाग के सभी अधिकारियों साथ में जाँच करने के लिए टीम गठित की थी, जिसके तहत आज मौके पर जाकर जाँच की गई। जाँच में सभी तथ्यों को अवलोकन किया गया, फोटोग्राफ्स लिए गए और पूछताछ में जो तथ्य आए हैं उनका पंचनामा तैयार किया गया है, जिसे अब कार्रवाई है तो कलेक्टर साहब महोदय के पास भेजा जाएगा, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।